Assalamu alaikum dear students, hopefully you all will be fine. Today we are going to do summary of the poem Daffodils, unit number 5. So look here, this poem has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as poet of nature because of his love for it. According to him, nature is a teacher. एंड प्रीचर, प्रीचर बताने वाला, मुबलिग कह सकते हैं, तबलीग करने वाला. दिस पोम इज अ ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट खराज सीन है टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन कहते हैं वजाहत को, जहूर को, इन ऑल इट्स ग्लोरी. इन दिस पोम ही शेयर्स विद अस हिज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटिफुल daffodils flowers. He states that once he was walking aimlessly in the countryside and compares himself to a floating cloud passing over hills and valleys. He suddenly came across a large number of golden daffodils growing along the bank of a lake under the trees. The flowers were in the flood bloom. The cool breeze was blowing. The daffodils were moving and dancing in the breeze. The sight delighted, खुश कर देना, and fascinated, attract कर देना, मतवज्जा कर देना अपनी तरफ. The poet and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, the poet is alone and in the same sight of the daffodils flashes into his imagination. The poet's heart is filled with pleasure and it seems to him as if his heart is dancing with the daffodils. As John Keats very well said, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. This experience has become a permanent source of pleasure for the poet. Thus, a thing of beauty is a joy forever. Okay? This is the whole summary of the poem. So you have to learn it. Okay? And you have to prepare it for the exams as well. As you know the pattern, according to the pattern, summary is compulsory. Summary is of the poem. इसके अलावा ऑप्शन होती है स्टेंजा की, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेन करना स्टेंजा को. ठीक, सो नेक्स्ट, अब ये समरी हो गया. नेक्स्ट हमने क्या करना है, बुक एक्सरसाइज करनी है. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 54 ऑफ योर बुक, फिगर्स ऑफ स्पीच. एज बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी हैव ऑलरेडी डन दिस. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically similar. Okay, metaphor, if we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. यानी हम उसको as it is ही कह दें. ठीक है, simile में क्या था कि हमने उससे compare करना है, और metaphor में हमने as it is उसको उस चीज़ जैसा कह देना है. जैसे ही प्रूव्ड अ लॉइन इन द फाइट, अब उसने ये नहीं कहा कि प्रूव्ड एज अ लॉइन, लाइन जैसा नहीं, बल्कि लाइन ही की तरह उसने लड़ा. रेड रेड रोज, यहाँ पे अगर एज ऐड कर देती वो सिमिली बन जाएगा. कंपैरिजन जहाँ आ जाएगा वो सही होगा, कंपैरिजन हटा दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो मेटाफरिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्रिएटिव लैंग्वेज टेक्निक विच वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, जहाँ पे इंसानी
खासियत या लिविंग क्वालिटीज दे दी जाएं किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को. द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क. कैंडल फ्लेम डांस्ड, ये तो ह्यूमन ट्रेट है या एक लिविंग क्वालिटी है डांसिंग. सो ये एक नॉन लिविंग चीज़ को, लाइफलेस चीज़ को दे दी गई है कैंडल को, तो वो ये क्या है, ये यूज किया पर्सोनिफिकेशन. द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड. इमेजरी, इमेजरी क्या है, इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड. जितनी फाइव सेंसेस हैं उतनी ही फाइव आप काइंड ऑफ इमेजरी है, विजुअल है, ऑडिटरी है, ठीक है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं किसी चीज़ को, तो उतनी ही इमेजरीज हैं. विजुअल ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट. ठीक है, अ ह्यूज और अ ह्यूज ट्री. ठीक है, ह्यूज का नाम लिए तो आपके दिमाग में फौरन यही ख्याल आएगा कि बड़ा सारा एक दरख्त, तो वो देखा. ठीक है, रस्लिंग ऑफ लीव्स या विस्लिंग, विस्लिंग कहते हैं, तो विस्लिंग यानी आप सुन सकते हो, फौरन आपके माइंड में क्लिक करेगा विसल कैसी होती है, तो वो ऑडिटरी यानी सुनने के हिस्से ताल्लुक रखता है. सेंस ऑफ सेंट ऑफ एप्पल्स, ठीक है, अट्रैक्टिव स्मेल ऑफ एन एप्पल पाई. ठीक है ना, एप्पल पाई वो आप उसकी स्मेल से, ये आपके माइंड में फौरन क्लिक करेगा कि हाँ उसकी खुशबू कैसी होती है एप्पल पाई की, या किसी भी या एप्पल्स की स्मेल कैसी होती है, खुशबू कैसी होती है, तो वो आपको फील होगा. इसी तरह से टेस्ट की आ जाइए, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस. ऑरेंजेस का फौरन टेस्ट फ्लेवर आपके की टंग पे आ जाएगा कि हाँ ऑरेंजेस किस तरह के होते हैं. टच रग्ड एंड रफ पाथ. ठीक है, तो जिस चीज़ को आपको छू के हिस आपको समझ आ जाए छूने से कि हाँ इसका टेक्सचर ऐसा है या ये ऐसा होगा, तो वो डेफिनेटली टच होगा. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55. अच्छा, उससे पहले 50 नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले एक बी पार्ट है. इन डेफोडिल सिमिलीज आर यूज्ड इन स्टैंजा 1 एंड 2. ठीक है, ये जब हमने पोम पढ़ा था, पढ़ी थी, तो उसमें ही मैंने आपको करवा दिया था. फर्स्ट स्टैंजा में क्या लाइन, द पोएट वाज लोनली एज अ क्लाउड, इट वाज अ सिमिली. और नंबर टू, सेकंड स्टैंजा में क्या था, डेफोडिल्स वर एज कंटिन्यूस एज स्टार्स. तो ये दो सिमिलीज इसमें यूज हुई हैं. ओके, स्टैंजा 1 में क्या है, स्टैंजा 2 में क्या है, मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, वो दोनों देख लीजिएगा और अब बता भी दिया है. सी पार्ट में देखें, पिक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम. पोएम में क्या पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है, वो आपने उसको फाइंड आउट करना है. क्या था, द गोल्डन डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ठीक है, तो ये इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. क्लियर, the daffodils were fluttering and dancing in the breeze is the example of personification. clear, so now come to page number 55. page number 55 par dekhiyega, ye simile, metaphor aur personification jo aapko abhi figurative language batayi gayi hai usse related ek exercise hai jo aapne karni hai. aapne sirf iske aage likhna hai metaphor hai, simile hai ya personification hai. time is money, ye kya hoga, metaphor. As busy as a bee, as आ गया है तो मतलब ये क्या है, simile. The wind whispered the rumors of the forest, ये क्या हो जाएगा, अब wind जो है हवा, वो whisper किया उसने, सरगोशी की, कर सकती है तो नहीं, तो ये क्या है, personification. As gentle as a lamb, as use हो गया तो क्या है, simile. The sorry engine whizzed it डेथ कफ, पर्सोनिफिकेशन. द हार्ड ऑफ लायन, मेटाफर. द एप्पल ऑफ माई आई, द एप्पल ऑफ माई आई, मेटाफर. एज कनिंग एज अ फॉक्स, सिमिली. ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर द वॉटर, इट्स पर्सोनिफिकेशन. एज वॉइस एज एन आउल, सिमिली. Blanket of snow, metaphor. As black as a crow, क्या होगा, simile.